पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले चार हॉस्टल बंद करवाने के विरोध में छात्रों ने सोमवार को कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए पटना कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगा दिया। छात्रों ने पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर हटाया है, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज परिसर में VC और प्रिंसिपल का भी पुतला फूंका। छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि चारों हॉस्टलों को बंद किया गया है, उस चारों हॉस्टलों को खोला जाए। अगर हॉस्टल नहीं खोला जाएगा, हम लोग इसी तरीके से पटना विश्वविद्यालय को बंद करते रहेंगे। खबर बेतिया से है, जहां यूट्यूबर मनीष कश्यप को कड़ी सुरक्षा के बीच बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के अलावा बैंक मैनेजर से मारपीट और सरकारी काम में बाधा देने के मामले में रिमांड पर लिया। इसके बाद अगली तारीख पर कोर्ट में दोनों मामले में मनीष पर आरोप गठित होगा, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। इस बीच मनीष को कस्टडी में लेते हुए बेतिया मंडल कारा भेजने का आदेश दिया गया, जिसके बाद मनीष को मंडल कारा ले जाया गया है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि पटना में आर्थिक अपराध विभाग में दर्ज एक केस में कल मनीष को पेश होना है, लिहाजा बेतिया मंडल कारा से मनीष को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, जिसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मनीष कश्यप बेतिया जेल में रहेंगे या फिर उसे वापस तमिलनाडु भेजा जाएगा। लेकिन संभावना जिसकी कम दिख रही है, उसे बेतिया या पटना में रखा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसे फिर से तमिलनाडु भेजा जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेतिया और प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारी ये मंजूर आलम दोनों जगह से इनको जो है जुडिशियल रिमांड मनीष कश्यप का किया गया है दोनों कोर्ट से, और इन लोगों का जुडिशियल रिमांड इनका हो गया है मनीष कश्यप का। अब ये निर्भर करता है प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, कि पुलिस प्रशासन इनको कहाँ रखना चाहती है, बेतिया जेल में रखेगी या कहीं दूसरे जगह रखेगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो जाएगा। जुडिशियल रिमांड इनका हो गया, रिमांड हो जाने के बाद अब जुडिशियरी का कोई से नहीं रह जाता है कि उसको रखेगा जेल एडमिनिस्ट्रेशन तो बेतिया में रखे कि मोतिहारी में रखे कि कहाँ रखे, ये कोर्ट को इससे मतलब नहीं है। कोर्ट को फिर ये मतलब है कि जब उनको फिर दोबारा बुलाएगा तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को उनको प्रोड्यूस करना है। किन किन तारीख पड़ा है क्या है? दोबारा तारीख इसमें अभी लास्ट में मिलेगा, 3-4 बजे के बाद। किन किन मामलों में कैसी हुई है? एक बैंक डकैती केस में एक विधायक ये अभी जो वर्तमान विधायक हैं उमाकांत सिंह उनके जो है इलेक्शन करो जो झंझट हुआ था उसमें उनका रिमांड हुआ है। एक आध दो केस और हैं जिसका नंबर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी आवेदन पड़ा है। बिहार में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। DG मुख्यालय GS गंगवार ने बताया कि साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए समेकित रूप से 26 फरवरी से ही साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सक्रिय है। इस पोर्टल पर 1930 हेल्पलाइन नंबर लगातार काम कर रहा है। इसमें 150 पुलिसकर्मी लगातार काम कर रहे हैं। 26 फरवरी से अब तक पीड़ितों की 15 करोड़ से अधिक की राशि को होल्ड कराया गया है। प्रेस वार्ता की मुख्य बिंदु था वो ये था कि साइबर अपराध की रोकथाम और इसके संबंध में जो जागरूकता अभियान है उसके संबंध में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाए। समय समय पर आपको इसके बारे में बताया गया, लेकिन इधर समेकित रूप से आपको मैं आंकड़ा रख रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि बिहार में भी जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसका हेल्पलाइन है 1930 इसको सक्रिय कर दिया गया 26 फरवरी से बिहार दिवस के अवसर पर। हम लोगों ने इस हेल्पलाइन को और विस्तारित किया। अभी कुल इसमें 150 पुलिसकर्मी 2400 घंटे कार्य करते हैं पालीवार। जब से ये पोर्टल प्रारंभ हुआ है तब से लेकर यानी 26 फरवरी से लेकर अभी तक 15,61,00,000 रुपए लगभग की राशि को हमने होल्ड करा दिया है। यह 15 करोड़ की राशि वह है जो साइबर ठगों के द्वारा भोले भाले नागरिकों को अपना शिकार बना करके उनसे ठग ली।
कैमूर जिले में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। एक तरफ इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं तो वहीं किसी के लिए ये आफत बनकर बरस रही है। मोहनिया के उगनडीह गांव में इस मूसलाधार बारिश से गरीब का आशियाना उजड़ गया। घर गिर जाने से खाने पीने के सामान बर्बाद हो गए। 3 मवेशी की जान चली गई। गनीमत रहे कि घर के किसी सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई है। घर गिर जाने के बाद अब ये परिवार त्रिपाल लगाकर रह रहा है। पीड़ित परिवार को अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। क्या क्या नुकसान भेल आपका? चाउर दाल कुट्टी भूसा कुल बकरा बकरी आदमी जन कुल दबाए लेनी जन। अच्छा तो मैं कुछ नुकसान खाली चावल का नुकसान भेल बना? चाउर गेहूँ दाल कुट्टी भैंस बकरी और इंदिरा आवास वास मिल रहा है? बकरी के बच्चा के भी घाव लगल बा? क्या क्या नुकसान भेल आपका? चाउर दाल कुट्टी भूसा कुल बकरा बकरी आदमी जन कुल दबाए लेनी जन। अच्छा तो मैं कुछ नुकसान खाली चावल का नुकसान भेल बना? चाउर गेहूँ दाल कुट्टी भैंस बकरी और इंदिरा आवास वास मिल रहा है? बकरी के बच्चा के भी घाव लगल बा? क्या क्या नुकसान भेल आपका? चाउर दाल कुट्टी भूसा कुल बकरा बकरी आदमी जन कुल दबाए लेनी जन। अच्छा तो मैं कुछ नुकसान खाली चावल का नुकसान भेल बना? चाउर गेहूँ दाल कुट्टी। भागलपुर के बरारी में पुलिस की टीम ने लॉज की आड़ में शहर में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर शाम को पुलिस ने छापेमारी कर 3 महिला और 9 पुरुष को हिरासत में लिया है। पुलिस ने लॉज से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। आपत्तिजनक हालत में धराने वालों में कटिहार की 3 लड़कियां और कहलगांव के 2 युवक शामिल हैं। डीएसपी नगर अजय कुमार चौधरी, बरारी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार छापेमारी करने पूरी टीम के साथ पहुंचे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लॉज के 3 कमरों में अलग अलग जोड़े और मौके से लॉज संचालक हृदेश मिश्रा उर्फ सिंटू मिश्रा की भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि लॉज में देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की गई जिसमें कुछ महिला और पुरुषों को पकड़ा गया है। पुलिस पूरे मामले में सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। 112 के द्वारा थाना को सूचना दी गई। थाना से मुझे सूचना प्राप्त हुई क्योंकि ये रेड डीएसपी रैंक के नीचे के पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे सूचना प्राप्त हुई। फिर मैंने महिला अफसर और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे विधिवत इसकी छापेमारी की गई है, जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और संदेह आजकल स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। सर आपत्तिजनक कुछ सामान भी बरामद किया? हाँ, कई चीज़ें।